सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल joblagi.com में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक ऐसी जॉब जिसकी ज़्यादातर सभी को ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ ड्राइवर की जॉब। दोस्तों अगर आपके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है और आप गाड़ी चलाना जानते हैं तो आप यहाँ पर कमा सकते हैं लगभग देखिए 25 से 30 हज़ार रुपये महीना। जी हाँ दोस्तों, देखिए कंपनी आपको देती है लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये महीना, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए खाना रहना सब कुछ मिल जाता है। साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंसेंटिव भी आपको मिलता है यहाँ पर। तो दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों आप कमा सकते हैं लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये महीना। तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लेना स्टार्टिंग से लास्ट तक, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको आवेदन करना है, जॉब लोकेशन आपकी क्या रखी गई है, कितनी आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है और दोस्तों कैसे आपको आवेदन यहाँ करना होगा। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम कर लेते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट और बात कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में, आज के टॉपिक के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, आपके लिए हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं डेली वेज अच्छे अच्छे टॉपिक पर, जिससे कि आप सभी की बेरोजगारी दूर हो सके। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा मेहनत के बदले में प्लीज़ आप वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम चैनल पर आप तक आसानी से पहुंच जाए और आपको भी एक प्राइवेट जॉब की जानकारी सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं डिटेल की तरफ और बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में, आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर बात करी जाए वीडियो में डिटेल के बारे में तो पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं आपको आवेदन करना बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आवेदन करने के लिए आपको आ जाना होगा आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट joblagi.com पर, उसके बाद ही दोस्तों आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अगर जॉब के बारे में बताऊं, जॉब की डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊं, तो पहले हम दोस्तों बात करेंगे जॉब नेम की। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डिलीवरी ड्राइवर के लिए यहाँ पे जॉब निकली हुई है, ठीक है। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बात करी जाए सैलरी की, तो 10 हज़ार रुपये से लेकर 12 हज़ार रुपये महीना आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए इंसेंटिव यहाँ पे भी मिलता है। देखिए इंसेंटिव आपको यहाँ मिलता है, आपका ESIPF भी मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस आपका हो जाता है और दोस्तों फंड की सुविधा भी आपको इस कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों देरी किस बात की, इस वीडियो को देखते ही आप आवेदन यहाँ पे जरूर कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों आवेदन करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ऐप के बारे में, जिसमें दोस्तों आप मात्र 5 मिनट में अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं और अपने ही शहर में ले सकते हैं। जी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं अपना ऐप के बारे में। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर के सबसे पहले अपना ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको भी एक प्राइवेट जॉब जल्दी से और आसानी से मिल जाए। क्योंकि दोस्तों अपना ऐप आपको देता है आपके ही शहर में जॉब, जहां पे दोस्तों 2 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं ने अपनी जॉब ऑलरेडी ले चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप भी लेना चाहते हैं जाइए डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देरी किस बात की, जाइए आज ही डाउनलोड कीजिए और आज ही ले लीजिए अपने सपनों की जॉब को। तो चलिए दोस्तों यहां बात करते हैं डिटेल के बारे में। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने सैलरी आपको बता दी, अब बात आती है दोस्तों एक्सपीरियंस की। यहाँ देखिए यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हैं आप तब भी आवेदन कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए कहा जा सकता है एक्सपीरियंस वाले और फ्रेशर वाले दोनों ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना आपके पास ज़्यादा जरूरी है। और बात आती है दोस्तों यहाँ पे कंपनी नेम की, तो श्री ट्रांसपोर्ट के नाम से यहाँ पे आपको कंपनी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे बात आती है देखिए लोकेशन की, ठाणे महाराष्ट्र के अंदर जॉब लोकेशन आपकी यहाँ पर रखी गई है। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बात आती है क्वालिफिकेशन या एजुकेशन की, तो दोस्तों यहाँ पे 12वीं पास आपके लिए होना अनिवार्य है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है देखिए लैंग्वेज की, तो हिंदी और इंग्लिश आपको लिखना और बोलना दोनों अच्छे से आना चाहिए तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आपको गाड़ी चलाने की नॉलेज अच्छे से होना चाहिए तभी आप यहाँ आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ बात आती है कि यहाँ आवेदन कौन कौन कर सकता है, तो दोस्तों ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ज़रूरत आपको बता दी है क्या क्या चाहिए। अब मैं डॉक्यूमेंट की बता देता हूँ दोस्तों आपको क्या क्या चाहिए। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी बैंक की फोटो स्टेट और यहाँ पे जो आपका सबसे ज़रूरी जो मेन रोल रखता है वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, आपका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने को बता दिया है, बात आती है कि यहाँ आपको आवेदन करने के लिए कितने रुपए देने होंगे, तो दोस्तों आवेदन फीस आपकी रखी गई है बिल्कुल 0 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपका 1 रुपया भी आवेदन करने का नहीं लगने वाला, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है joblagi.com चैनल आपके लिए वो जॉब लेकर के आता है जिसमें आपका 1 रुपया तो बहुत दूर की बात है, आपकी जेब से 1 पैसा भी नहीं लगता है। तो दोस्तों इतनी ज्यादा मेहनत के बदले में प्लीज आप वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी कैंडिडेट को जिन्हें भी जॉब की आवश्यकता है, जिन्हें भी जॉब की नीड है। अब दोस्तों बात आती है कि आपको आवेदन करना कैसे है। दोस्तों आवेदन करने के लिए आपको आ जाना होगा
दूंगा आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट joblagi.com पे। और दोस्तों बात आते हैं joblagi.com पे आप आएंगे कैसे। ये जो दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा joblagi की ऑफिशियल वेबसाइट का, जिस पे दोस्तों आप क्लिक करेंगे आपके सामने जॉब निकल के आ जाएगी ड्राइवर वाली, जिस पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना होगा और अच्छे से पूरी डिटेल को चेकआउट कर लेना होगा, रीड कर लेना होगा। अब दोस्तों जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं आपके सामने अप्लाई नाउ का एक तो बटन आ जाता है और दोस्तों आपके सामने ये नंबर भी आ जाता है। इस नंबर पर या तो आप कॉल करके अपनी जॉब ले सकते हैं, अपना इंटरव्यू फिक्स कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे अपना देखिए, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मैनुअली यहाँ से देखिए दोस्तों अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने देखिए कैंडिडेट सबमिशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ देखिए कैंडिडेट सबमिशन फॉर्म में आपको अपनी पूरी डिटेल डाल देनी होती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए कैंडिडेट सबमिशन फॉर्म को आपको फिल कर देना होता है। उसके बाद में जब आप दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि जॉब के बारे में आपको कैसे पता चला है, सोर्स क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑलरेडी सेलेक्टेड है joblagi वेबसाइट। यहाँ पे देखिए अदर सोर्स भी आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं joblagi यूट्यूब चैनल, क्योंकि दोस्तों वीडियो के माध्यम से ही आपने यहाँ पे ये जॉब के बारे में पता चलाया है। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है कैंडिडेट डाटा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत से कैंडिडेट गलती कर देते हैं फॉर्म फिल करने में, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आज की आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। दोस्तों यहाँ देखिए आपको फर्स्ट नाम अपने डाल देना है, लास्ट नाम जरूर डालना है, उसके बाद मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी फोन नंबर आपको डाल देना है, सेकेंडरी फोन नंबर दोस्तों अल्टरनेट मोबाइल नंबर ही होता है आपका, आप यहाँ देखिए दोनों ही नंबर डालिए, मैं आपको यही कहूँगा। उसके बाद में दोस्तों स्ट्रीट एड्रेस आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी डाल देनी होगी, और दोस्तों यहाँ पे आपको अपना सिटी डाल देना होगा, यहाँ पे स्टेट डाल देना होगा, जिप कोड कंट्री ऑलरेडी सेलेक्टेड है। उसके बाद में जब आप दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हैं आपको अपना यहाँ पे रिज्यूमे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। दोस्तों रिज्यूमे यहाँ ध्यान रखिएगा आपका बेशक जेपीजी में, पीएनजी या पीडीएफ फाइल किसी में भी हो, दोस्तों आपको यहाँ पे 2 MB से ज़्यादा का रिज्यूमे नहीं होना चाहिए, तभी यह वेबसाइट एक्सेप्ट करती है। उसके बाद में रिज्यूमे सेलेक्ट करने के बाद आपके पास में ऑप्शन आता है सबमिट का। दोस्तों जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं प्रोफाइल सबमिट हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद में देखिए दोस्तों आपको आपके एक्टिव मोबाइल नंबर के थ्रू या ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट किया जाता है और जॉब लोकेशन पे बुला लिया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्राइवेट सेक्टर की जॉब से रिलेटिव जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा चाहता हूँ, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, टेक केयर।